हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, जो दोस्तों फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेट रखते हैं। तो दोस्तों, जो आपके एग्जिट एग्जाम और एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, तो बिना देरी किए, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यानी 85 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, आपको इसमें से चूज करना है पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव्स कौन सा है। तो कैट्रोलॉक, कैट्रोलैक और फेनिलब्यूटाजोन, सेलोल और एस्प्रिन। तो दोस्तों, आप इन चार ऑप्शंस के जरिए आप देख सकते हैं पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव्स कौन सा होता है। तो दोस्तों, पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव्स होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैटोरोलैक, यानी ऑप्शन नंबर ए कैटोरोलैक दोस्तों पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैलिसाइलेट्स डेरिवेटिव्स। दोस्तों, आपको इसमें से सैलिसाइलेट्स डेरिवेटिव चूज करना है कैट्रोलैक, फेनिलब्यूटाजोन, सैलोल और एस्प्रिन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सालोल दोस्तों सैलिसाइलेट्स डेरिवेटिव्स होता है। सालोल एस से जुड़ा है, सैली तो दोस्तों सैलोल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको इसमें चूज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडोल डेरिवेटिव्स। दोस्तों, इंडोल डेरिवेटिव्स आपको चूज करना है कैट्रोलैक, फेनिलब्यूटाजोन, इंडोमेथासिन और एस्प्रिन। दोस्तों, इंडो से क्या जुड़ा है, इंडोमेथासिन, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंडोल डेरिवेटिव्स होता है ऑप्शन नंबर सी 87 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। दोस्तों, एंथ्रानिलिक डेरिवेटिव्स कौन सा हो जाएगा, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, कैट्रोलैक, फेनिलब्यूटाजोन, मेफिनेमिक एसिड और एस्प्रिन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेफिनेमिक एसिड जो दोस्तों एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, ब्लैंक दे रखा है, आर फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज टू अरेस्ट इन्फ्लामेशन एंड द अकम्पनिंग पेन ऑफ रूमेटिक एंड नॉन रूमेटिक डिजीजेस। NSAIDs, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर और गामा इनहिबिटर्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NSAIDs आर फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज टू अरेस्ट इन्फ्लामेशन एंड द कंपनी पेन ऑफ रूमेटिक एंड नॉन रूमेटिक डिजीजेस। तो क्वेश्चन नंबर 90 है आपकी स्क्रीन पर, ब्लैंक दे रखा है, रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर विद लिटिल इफेक्ट ऑन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो NSAIDs, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, गामा इनहिबिटर्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NSAIDs, रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर विद लिटिल इफेक्ट ऑन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट्स एडिमा। दोस्तों, प्रोमोट्स एडिमा को कौन फॉलो करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिंस। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोस्टाग्लैंडिंस प्रोमोट्स एडिमा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर पेन ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन रिएक्शन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेडिकाइनिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू कीमोटैक्सिस व्हाइल इन्फ्लामेशन रिएक्शन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिंस, ल्यूकोट्राइन्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोस्टाग्लैंडिंस इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, इसी के साथ हमारे टॉप 10 MCQ कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों, 94 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन इंडोल डेरिवेटिव्स। दोस्तों, जिसे हम देख चुके हैं पीछे, तो वो दोस्तों इंडोमेथासिन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इंडोल डेरिवेटिव्स क्या होता है, वो है इंडोमेथासिन। दोस्तों, इसी के साथ हमने टॉप 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।